हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेंटर पॉइंट गेमर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फ्री फायर गेम का टेस्ट गाइस, वो भी ROG फोन 5 में। हाँ गाइस, हम करने वाले हैं फ्री फायर का टेस्ट ROG फोन 5 में, और साथ ही साथ गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि ROG फोन 5 जो है वो किस टाइप का फोन है, आपके लिए गेमिंग के लिए फ्री फायर जो गेम है उसके लिए सही है कि नहीं है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ पूरा रिन्यू फ्री फायर के लिए, क्या वो फोन को हीट करता है या फिर फ्रेंड्स ROG फोन 5 जो है फ्री फायर को अच्छे से रन नहीं कर पा रहा है। और साथ ही साथ गाइस ROG फोन 5 का पूरा स्पेसिफिकेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं बता रहा हूं गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही बारीकी तरीके से गेमिंग को आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से गेम के लिए फोन को अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ ROG जो फोन 5 है गाइस खास करके गेमर्स के लिए बना गया है, उन गेमर्स के लिए जो बहुत ही ज्यादा गेम खेलते हैं, हद से ज्यादा गाइस एनी टाइम गेम खेलते हैं। और ये फोन जो है गाइस एकदम मैक्स लेवल का बनाया गया है कि गेमर्स को जो है गाइस किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो इस फोन से। मतलब कि गाइस आप समझ लीजिए गेम का वो मैक्स लेवल जो कि गाइस आपको सिर्फ इसी फोन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस ROG फोन 5 के डिस्प्ले के बारे में गाइस, क्योंकि गाइस गेम जो है उसको चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक तो डिस्प्ले होता है गाइस, और दूसरा जो है वो प्रोसेसर होता है। तो डिस्प्ले जो है गाइस इसका बहुत ही ज्यादा गाइस मैक्स लेवल का गाइस, मैक्स से भी मैक्स लेवल आप बोल सकते हो, जैसे कि पीसी वगैरह। तो अब अगर हम बात करें गाइस इसके डिस्प्ले के साइज के बारे में, तो डिस्प्ले का साइज गाइस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जो ROG 3 में था गाइस उससे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इसमें गाइस डिस्प्ले का साइज मिलेगा आपको 6.78 इंचेस का, वो भी गाइस AMOLED डिस्प्ले। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, सैमसंग जो है अपने फोन में AMOLED डिस्प्ले की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसका डिस्प्ले जो है गाइस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहां पर गाइस ROG फोन 5 है वो भी गाइस AMOLED डिस्प्ले का यूज कर रहा है, साथ ही साथ इसका रिजोल्यूशन है गाइस डिस्प्ले का वो है गाइस Full HD+ गाइस Full HD+ साथ ही साथ आपको मिल रहा है यहां पर 144Hz का रिफ्रेश रेट गाइस, जिसको गाइस आप बोल सकते हो सुपर हाई रिफ्रेश रेट गाइस। और इस फोन का गाइस टच रिस्पांस है जिसको बोलते हैं गाइस टच सैंपलिंग रेट, इसका जो टच रिस्पांस है गाइस टच सैंपलिंग रेट वो है गाइस 270Hz का गाइस, मतलब कि आप बोल सकते हो गाइस मैक्स से भी मैक्स गाइस इस फोन में है, जो गाइस आपको गेमिंग के बारे में जरा से भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आप यहां पर डिस्प्ले को तो देख सकते हैं गाइस कितना ज्यादा पावरफुल बना दिया गाइस, मतलब कि बहुत ही ज्यादा। अब अगर हम बात करें गाइस फ्री फायर गेम क्या इसमें अच्छे से रन पाएगा, उसका डिस्प्ले इतना परफॉर्मेंस वाला है जो फ्री फायर को अच्छे से रन कर पाएगा, तो गाइस अगर फ्री फायर का जो अल्ट्रा ग्राफिक्स है ना गाइस उसमें 3 और अल्ट्रा जुड़ गए ना, तब भी गाइस ये फोन बहुत ही उसको मक्खन की तरह रन करेगा बिल्कुल गाइस स्मूथ, क्योंकि यार आप यहां पर देख सकते हो इसका रिफ्रेश रेट कितना ज्यादा है, वो भी गाइस AMOLED डिस्प्ले HD+ साथ ही साथ आपको 270Hz का टच सैंपल रेट। तो गाइस आप जो है इस फोन को गाइस बिल्कुल बिना देखे गाइस अब इसको परचेस कर लेना। तो अब गाइस मैं डायरेक्टली इस फोन के बेसिक चीज पे घुसना चाहता हूं, जो कि गाइस गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है गाइस, आप समझ ही गए होंगे गाइस मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। हां गाइस मैं बात कर रहा हूं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर गाइस एक ऐसा पार्ट होता है जो कि गाइस गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये जो ROG का फोन 5 है गाइस इसमें यूज किया गया है स्नैपड्रैगन का 888 वाला प्रोसेसर गाइस, 888 की मतलब समझ रहे हो ना गाइस, स्नैपड्रैगन का सबसे मैक्स लेवल का अभी तक आया हुआ प्रोसेसर है 888, जो कि गाइस 5nm में बेस्ट है। तो 5nm मतलब समझ रहे हो गाइस कि एप्पल को भी पीछे छोड़ गया है, तो 5nm मतलब समझ रहे होगा इस एप्पल को ही पीछे छोड़ गया है। इसका कॉर्टेक्स कोर के बारे में तो कोई पूछो ही मत गाइस, बहुत ही मतलब कि मैक्स लेवल का है। तो अगर आप गेमर है गाइस अगर आप इस फोन को परचेस करते हैं तो आपको मिलने वाला गाइस 888 वाला प्रोसेसर गाइस स्नैपड्रैगन की तरफ से। तो गाइस आपको समझ लो कि गेम के बारे में बिल्कुल निश्चिंत खेलना है, नो लैग नो बैटरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इस, मतलब कि कुछ भी तरीके का आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस यहां पर प्रोसेसर ही गाइस मतलब कि OP लेवल का है गाइस, हैंग लैग कुछ भी गाइस मतलब आपको देखने को मिलेगा ही नहीं गाइस। तो अब मैं बात करने वाला हूँ गाइस इस फोन के अलग फीचर के बारे में, जैसा कि आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको ये फीचर नहीं बताएगा, क्योंकि गाइस मैं बात करता हूँ गाइस एकदम बेसिक से बेसिक चीज के बारे में। तो गेमिंग के लिए गाइस आपको मिलता है इस फोन में एक्स्ट्रा फीचर, वो है गाइस लिक्विड कूलिंग का। गाइस लिक्विड कूलिंग एक ऐसा चीज है गाइस जो आपके फोन को हीट होने से बचाता है, साथ ही साथ आपके फोन का जो प्रोसेसर है वो ज्यादा आपका खपत होता है, वेस्ट होता है। तो जितने भी फोन होते हैं गाइस सभी में थोड़ा ना थोड़ा हीट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है गाइस कूलिंग टेक्नोलॉजी, जिसके कारण गाइस आपके फोन में बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। तो भाई गेमिंग फोन है तो गाइस इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर तो होने चाहिए बाकी फोन के मुकाबले। तो गेमिंग फोन में गाइस ज्यादातर लोग यूज करते हैं इधर उधर बटन वगैरह, लेकिन वो सब चीज बेकार है गाइस। यहाँ पर आपको मिल रहा है गाइस लिक्विड कूलिंग का, बिल्कुल ठंडा कर देगा गाइस आपके फोन को, जरा भी हीट करने नहीं देगा। तो ज्यादातर गाइस आपने देखा होगा कि सैमसंग वगैरह फोन में बहुत ज्यादा हीटिंग का प्रॉब्लम आता है, तो इस फोन में गाइस आपको हीटिंग का जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस बिल्कुल लिक्विड कूलिंग वाला इसमें फीलिंग आएगा, बिल्कुल ठंडा रहेगा गाइस आपका फोन, कभी भी गाइस आपका फोन गर्म ही नहीं होगा।
और इसका बेस्ट पार्ट है गाइस वो है जीपीयू। जीपीयू जो है गाइस इसमें एंड्रिनो की तरफ से यूज किया गया है 630 गाइस, जो कि बहुत ही पावरफुल है गेमिंग के लिए। तो गाइस फ्री फायर में गाइस आप इसको बिल्कुल मक्खन की तरह रन करेगा गाइस, आप अमेजिंग नहीं कर सकते वैसा गेम प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस यहाँ पर आरओजी फोन 5 में। तो अब मैं बात करने वाला हूँ गाइस इस फोन के बैटरी बैकअप के बारे में गाइस। तो बैटरी बैकअप के बारे में गाइस आप खुद ही वीडियो में देख लेना गाइस किस तरीके से इतने घंटे फ्री फायर को चला पाता है। तो गाइस इसका बैटरी जो है गाइस 6000 mAh का बैटरी है गाइस। 6000 mAh मतलब समझ रहे हो गाइस आप कितना घंटे खेल सकते हो। तो गाइस आप यहाँ पर समझ सकते हो इसमें कम से कम 7 से 8 घंटे आपको फ्री फायर बहुत इजीली रन कर पाएगा बिल्कुल मक्खन की तरह गाइस, नो लैग नो हैंग किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको बैटरी तो अच्छा देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर चार्जर है वो कैसा है आपको ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गेमर्स के लिए गाइस आप 7 घंटा भी खेलो वो भी बहुत ही कम है, क्योंकि गाइस गेमर्स को बस 1 घंटा रेस्ट करना है फिर टूर्नामेंट खेलना है गाइस। फ्री फायर का आपको पता ही होगा XTZ कितना सारे। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए गाइस हमको मिल रहा है 65 वाट का चार्जर, तो आप समझ सकते हैं गाइस कितना फास्ट चार्जिंग होने वाला है सिर्फ 1 घंटे के आसपास में गाइस, या फिर उससे भी कम बोल लो उससे भी कम गाइस आपका 6000 mAh का बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगा। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं फ्री फायर गेम का टेस्ट कि क्या हो आरओजी फोन में ऐसा परफॉर्म कर पाएगा गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है गाइस आरओजी फोन 5 जो कि गाइस बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आरओजी 3 से थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया है, वैसे ज्यादा कुछ चेंज नहीं है लेकिन गाइस ये थोड़ा सा चेंज है। अभी गाइस मैं इसमें थोड़ा खेल के दिखाऊंगा आपको किस तरीके से गेम चल रहा है। तो गाइस आप यहां पर वीडियो में देख ही चुके होंगे गाइस फ्री फायर बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है गाइस, आप इसके बारे में कुछ पूछो ही मत इस फोन के बारे में। जिसके पास ये फोन है ना गाइस वो गाइस रियल गेमर है गाइस, रियल गेमर मतलब कि हद से ज्यादा टूर्नामेंट जितना भी ज्यादा गेम खेलना चाहते हैं वो लोग गाइस इस फोन को परचेस कर सकते हैं, बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा इस फोन में। तो गाइस आशा करता हूं आज की वीडियो में गाइस आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिला होगा आपको फोन के बारे में गेमिंग में आपको किस तरीके से फोन अच्छा सा परचेस करना चाहिए। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही जो लोग होगा इस हम छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर सकते हो गाइस। हमारा सब्सक्राइबर देख लो गाइस कितना कम है, प्लीज गाइस हमको एक बार मौका दीजिए हम आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाके देंगे जिसमें गाइस आपको नॉलेज की भरपूर जानकारी मिलेगी। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।